रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, आज भगवान बद्री विशाल के कपाट होंगे बंद। शीतकाल के लिए बद्री विशाल के कपाट होंगे बंद। 3:35 पर होंगे कपाट बंद। पूरे मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया। कपाट बंदी के लिए सभी तैयारियां पूरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भगवान बद्री विशाल के कपाट होंगे बंद। शीतकाल के लिए बद्री विशाल के कपाट बंद किए जाएंगे। 3:35 पर जो है कपाट बंद होंगे और पूरे मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। चलिए आपको बता दें, आज भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए बद्री विशाल के कपाट को बंद किया जाएगा क्योंकि पूरा मंदिर जो है शीतकाल के समय में बर्फ की चादर से ढक जाता है। 3:35 पर कपाट बंद होंगे। पूरे मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया जाएगा। कपाट बंदी के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नीरज कंडारिया जुड़ चुके हैं। नीरज, आज भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे और जाहिर सी बात है कि आज भक्तों का सैलाब बद्री विशाल में उमड़ गया होगा। सुरक्षा के क्या इंतजाम है? चलिए, कोई तकनीकी समस्या की वजह से हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, मगर बड़ी खबर आपको बता दें कि आज भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। आज तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे मंदिर परिसर को, पूरे मंदिर प्रांगण में गेंदे के फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है। चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता चमोली से। नीरज, आज भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे और ऐसे में जाहिर सी बात है कि आज भक्तों का सैलाब बद्री विशाल पहुंचा होगा बाबा के दर्शन करने के लिए, तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? नीरज जी, तो जो गणेश का मंदिर है वो बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो आदि बद्री आदि केदारेश्वर का मंदिर है वो बंद कर दिया गया था। जो खड़ग पूजा वगैरह तमाम वेदविधाएं हुई थी उसके बाद वो बंद होती है। और कल की अगर मैं बात करूँ तो मां लक्ष्मी का जो विग्रह होता है उसको जो आज बैकुंठ धाम जो बद्रीनारायण का चल वो बैकुंठ धाम जो बद्रीनारायण का है वहाँ पे आज माँ लक्ष्मी को लाया जाएगा। उसके बाद जो अगले 6 माह के लिए वहाँ गर्भगृह में माँ लक्ष्मी को स्थापित यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद कपाट बंद यहाँ पे कर दिए जाएंगे। जी नीरज, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया गया है। गेंदे के फूलों से जो है मंदिर की साज सजावट की गई है। आप उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताएं। जी अस्मिता, देखिए जो वैकुंठ धाम है, नारायण धाम है, बद्रीनाथ बद्रीनाथ के कपाट आज बंद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर को सजाने की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 15 क्विंटल जो गेंदे के फूल हैं, गेंदे के फूलों से मंदिर को सजाया गया है। वहीं अगर मंदिर को मैं सजाने की बात करूँ, इससे पहले जो दीपावली के दौरान भी भगवान बद्रीनारायण के मंदिर को यहाँ पे सजाया जाता है। और वही जो इसके बाद अब जो कपाट अगले शीतकाल के बाद जो ग्रीष्म काल के लिए यहाँ पे कपाट खुलेंगे, इसके बाद यही मंदिर भव्य रूप से सजेगा। तो वहीं अगर मैं मंदिर आज भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की बात करूँ, जो माणा गांव की महिलाएं हैं उनके द्वारा जो घृत कम्बल यहाँ पे बनाया जाता है, कम्बल बनाया जाता है, और घृत कम्बल उसे कहते हैं, वो जो भगवान का अभिषेक होता है अगले जो 6 माह के लिए भगवान जो बद्री विशाल का विग्रह है उससे उस कम्बल को लपेटा जाता है। अगले 6 माह में जब शीत ग्रीष्म काल के लिए कपाट खुलेंगे तो यहाँ पे इस कम्बल का जो प्रसाद है वो प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे वितरित किया जाता है। जी नीरज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए बद्री विशाल के कपाट बंद किए जाएंगे। 3:35 पर कपाट को बंद किया जाएगा।